अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ग्रीन मसाले वाले आलू की रेसिपी बताएंगे। उसके लिए हम लेंगे 4 आलू, 2 टेबलस्पून हरा मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। हरा धनिया ले लेंगे, बारीक काट लेंगे। करी पत्ते भी ले लेंगे, उसको भी बारीक काट लेंगे। ऑयल और नमक। हरे मसाले की रेसिपी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बता चुकी हूँ। आलू को छील के स्लाइसेस में काट लेंगे। आलू को स्लाइसेस में काट लिए हैं, ये इस तरह काटने हैं। अब इसको हम तैयार करेंगे। 4 टेबलस्पून ऑयल को गरम किया है, अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। और जीरा डाल देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हरा मसाला और धनिया और हल्दी डाल देंगे। इसको थोड़ा और फ्राई करेंगे। इसमें आलू डाल देंगे। अब हम इसे बहुत स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। नमक भी डाल देंगे। अब इसको कवर करके रख देंगे। अब हम इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे। इसको कवर करके रखा था और ये आलू के ही पानी में पक चुके हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। ग्रीन मसाले वाले आलू तैयार है। आप इसे रोटी और अचार के साथ सर्व कर सकते हैं।